प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रेमी सलाम। पहला यूहन्ना अध्याय 5 कलम 6 से लेकर 12वीं कलम तक हम पढ़ के सुनेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 6-12। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देते हैं वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेता है तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखते हैं। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। प्यारो, पिछले दिनों में हम विश्वासियों की स्वभाव और उनके सही चिन्ह को इस पत्रिका से बहुतायत विषय पर चर्चा किया। आज हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने पुत्र के विषय पर गवाही के बारे में पढ़ते हैं। ये कलमों में सचमुच परमेश्वर के आत्मा अपने पुत्र के द्वारा और पुत्र के विषय में गवाही देते हैं। क्यों गवाही देते हैं? क्योंकि पुत्र में आनंद जीवन है। प्यारो, पवित्र वचन की शुरुआत से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो सच्चाई है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, उसमें सचमुच में अपने प्रिय पुत्र मसीह के विषय में पिता गवाही देते हैं। यहाँ विशेष तौर पर पवित्र आत्मा 2 कार्य पर गवाही देते हैं, एक पानी और दूसरा रक्त। प्यारो,
ये पानी के द्वारा प्रभु अपने गवाही देते हैं, पवित्र आत्मा। ये पानी तो तीन कार्य बताते हैं। एक है नूह के समय में इस जगत के ऊपर परमेश्वर ने पापों की सजा मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए सारे जगत को पानी में डुबा दिया। नूह के समय में जल प्रलय से विश्व को नाश किया, लेकिन उस मनुष्यों में केवल एक परिवार को, नूह और उसके परिवार को पूर्ण रीति से सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने एक जहाज बनाकर अपने दास नूह को और उनके परिवार को बचाया। ये कार्य नूह ने किया। परमेश्वर के आज्ञा सुनकर विश्वास में अभी तक जो कार्य को नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, बाढ़ नहीं देखा, ऐसे महान नबी नूह अपने समय में परमेश्वर की आत्मा में, जो हम पीतर के पुस्तक में पढ़ते हैं, मसीही अपने आत्मा में उस दिन बंद हुए आत्माओं के सामने दीर्घ समय 120 साल नूह के द्वारा परमेश्वर के न्याय के विषय में बताया, परमेश्वर का प्रेम दिखाया। लेकिन नूह और उसके परिवार को छोड़कर बाकी कोई ये गवाही को स्वीकारा नहीं, उद्धार पाया नहीं, जहाज में प्रवेश किया नहीं। ये जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने धरती के ऊपर भयानक विनाश को देखकर अपने नियम रखा। ये नियम परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा नया नियम में प्रकट करते हैं। प्यारो, परमेश्वर का न्याय दंड परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर रखा तो परमेश्वर एक परिवार को बचाने के लिए एक जहाज तैयार किया। ये अपने पुत्र को दर्शाते हैं और उसके उस उद्धार के मार्ग को दिखाते हैं। नूह और ये जहाज मसीह की उस स्वभाव को और अपने कलिसिया के विषय में दर्शाते हैं। और पानी के विषय में दूसरा एक दृष्टांत पवित्र आत्मा गवाही देते हैं। जब मसीह 30 साल की उम्र में गलीला से यरदन किनारे यूहन्ना के पास आके यूहन्ना के हाथ से बाकी यहूदियों के समान प्रभु बाकी परीशी और साधारण जन के साथ यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा बापतिस्मा लिया। और इस समय जब मसीह पानी में से उतरा, हम पढ़ते हैं परमेश्वर के आत्मा कबूतर के समान स्वर्ग से उतर कर मसीह के ओर आया और स्वर्ग से पिता की एक वाणी आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसमें मैं प्रसन्न हूँ और अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्यारो, परमेश्वर के वाणी स्वर्ग से बहुत साल के बाद, मलाखी के पुस्तक के बाद करीबन 400 साल के बाद इस प्रकार के एक शब्द दुनिया सुना। क्या सुना? ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसमें मैं प्रसन्न हूँ। प्यारो, पुराने नियम में सारे विश्व को पानी के द्वारा डुबा दिया तो एक परिवार को जहाज के द्वारा मुक्त किया, लेकिन वो परिवार भी
नूह भी पाप करके परमेश्वर के सामने अप्रसन्न हुआ, लेकिन यहाँ परमेश्वर के अत्यंत प्रिय पुत्र जिसने अपने गवाही में ऐसा बताया, मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। प्यारो, ऐसे प्यारे प्रभु को हम सब के लिए बलिदान के रूप में देने के लिए नूह के समय में एक जहाज को बना के दिया, जैसा हमारे उद्धार का मार्ग अपने पुत्र के द्वारा करने के लिए पिता बहुत प्रेम इस जगत को किया। प्यारे, आज सुबह आप जब ये गवाही सुनते हैं, इन कलमों में हम पढ़ा, परमेश्वर ये चाहते हैं उसके पुत्र के द्वारा हम जीवन पाए, और ये गवाही पानी में प्रभु के विषय में पिता दिया है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज भी मेरे शब्द को सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप जीवन नहीं पाया तो पिता की इस गवाही अपने पुत्र के बारे में उस पानी पे आप सुनिए, और आपके हृदय में प्रभु को अपने उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करके अपनी कलीसिया में प्रवेश कीजिए। प्रभु उसके लिए आप सबको सहाय करे। जय मसीह की।